युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन शुक्रवार को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान युवा कांग्रेस जिला महासचिव चंद्रमणि कुलेठी की अगुवाई में होली में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे। वहीं युवा कांग्रेस भरमौर ने अध्यक्ष श्याम ठाकुर की अगुवाई में भरमौर में लड्डू बांटकर प्रधानमंत्री को रोजगार दिलाने का वादा याद दिलाया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने पर रोजगार का वादा देश के युवाओं के साथ किया था, लेकिन मौजूदा समय में देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय युवा कांग्रेस के जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके दिशा निर्देशानुसार आज बिलासपुर युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को मनाने जा रही है। इस उपलक्ष्य पर हम पकौड़े तलकर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलने से भी रोजगार मिलता है। हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे साथी जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं, क्या उन्होंने ये डिग्रियां मात्र पकौड़े तलने के लिए की थी? आज हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 9 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं। साथ के साथ कोरोना काल की वजह से जो हमारे साथी बाहरी प्रदेशों में या बाहरी विदेशों में नौकरियां करते थे, वो भी आज बेरोजगार हो चुके हैं। पर जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, उनके पास जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए कोई नीति नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द बेरोजगार युवा साथियों के लिए रोजगार के नए संसाधन शुरू किए जाएं, ताकि जो साथी हैं उन्हें रोजगार मिल सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।